मेडिसिन स्कीमों में चली जाएगी। जो पिलाने का तरीका है वो ये, आपने यहाँ आपने अंगूठा रखना है, ये आपने सिरिंज भर ली और ये यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल हेल्थ चैनल, मैं हूँ डॉक्टर आरिफ। कल हमने यहाँ पर एक वीडियो रिकॉर्ड की थी इस फॉर्म पे, क्योंकि इस फॉर्म पे कंप्लेंट ये थी कि जो नए साथियों के लिए मैं थोड़ा सा मुख्तसर और बता दूँ कि यहाँ पर जो भेड़ें थी उनको मसला ये आ रहा था कि उनको बॉटल जाओ हो गए थे इनके, उनका जो नीचे वाला जबड़ा है, ये वाला जैसे भेड़ है इसके नीचे वाला जो जबड़ा है यहाँ पर इसके पानी इकट्ठा था, यानी कि इसकी स्वेलिंग थी जिसको हम एडिमेटिस स्वेलिंग कहते हैं। साथ ही ये चारा इन्होंने बहुत ज़्यादा कम कर दिया था खाना, आँखों से इनके पानी आ रहा था और जब आई म्यूकस मेम्ब्रेन की हमने देखी तो उसमें खून की शदीद कमी थी। जानवर आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेजिंग गेट पर आ गए, इनके कमज़ोर होता चला गया, हत्ता कि वो बैठ गए और कुछ जानवर जब वो एक्सपायर भी हो गए। इसके लिए कुछ जानवर ऐसे थे कि जो पतला गोबर भी कर रहे थे इनमें से, जैसे ये इस भेड़ ने यहाँ पर आपने देखा है यहाँ पर ये इन्होंने पतला गोबर यहाँ पर किया हुआ है, पतला गोबर भी साथ चल रहा था, दूसरी अलामत भी साथ ही चल रही थी इसके। परसों हमने इनका फीकल सैंपल, इनकी मेंगनियों का जो सैंपल था वो लेबॉरेटरी में भेजा ताकि हमें क्लियर कट पता चल सके कि इनके अंदर वर्म इन्फेस्टेशन किस किस्म का मौजूद है। और सबसे एक और बात बता दूँ कि जो अलामत थी जिनमें कि एनीमिया, खून की कमी थी, यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा कम था, एक दो जानवर इनका जो है वो एक्सपायर भी हो गया इसी वजह से और बहुत जल्द हो गया, जो जिस्म की नीचे वाली टांगें हैं वो भी सूज गई बहुत ज़्यादा जानवरों की। लेबॉरेटरी में हमने जो सैंपल भेजा उस सैंपल की जो कल रिपोर्ट आ गई थी उसमें दो जो है वर्म आए, एक जो है लिवर फ्लू का आया, इनकी फेशियोलिसिस। लिवर फ्लू का मतलब ये है, कुछ किसान भाई अगर देख रहे हैं तो जिगरी किरम भी जो है वो भी पॉजिटिव इसमें आए, और दूसरा जो था हिमानकस कंटाटस, यानी कि जो एबोमिज्म होता है इसका जो बड़ा मैदा है उसके साथ और छोटा मैदा है वहाँ पर ये किरम होते हैं जो इनका साइज होता है और ये खून पीते हैं बहुत ज़्यादा। एक जो एडल्ट जो बालग मादा जो जिसमें किरम है वो 0.05 ml जो खून है वो रोज़ाना का पीता है, यानी कि ये खून की ये सूरत हो जाती है कि अगर कहीं 5000 जो है वो वर्म अंदर मौजूद हैं और हर वर्म जो है वो रोज़ाना 0.05 ml ब्लड पीता है तो तकरीबन आप कह रहे कि 250 ml खून जो है वो डेली का जानवर के जिस्म से ज़ाया होता है। अगर जितने कम होंगे, अगर 100 ml भी उसने रोज़ का पिया है तो 5-6 दिन के अंदर जानवर जो है वो अनीमिया का शिकार होकर मौत के मुँह में चला जाता है। इससे बचने का सबसे बेहतर तरीकाकार यही है कि आप अपने जानवरों को प्रॉपर डिवर्मिंग जो है वो कराते रहें और कभी कभार साल में एक या दो मरतबा इनका फीकल सैंपल जो है, इनकी जो मींगनी को टेस्ट है वो भी आप करवा लें ताकि आपके जानवर जो है मुकम्मल सेहतमंद रहें। अभी हमारे पास चूंकि दो मसाइल हैं यहाँ पर, एक तो ये है कि लिवर फ्लू की है और दूसरा हिमानकस कंटाटस के राउंड वर्म भी अंदर मौजूद हैं, तो हमें दो किस्म की मेडिसिन है यहाँ पर इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो हमने कोशिश की है कि ताकि एक ही मेडिसिन से दोनों जो है रिकवर हो जाएँ, और वो वाली भेड़ें जिनका के बिल्कुल पॉजिटिव आया है मार्कर कंटाटस उसके लिए अलग होगी। तो अभी हम आपको बताते हैं कि आज की जो मेडिसिन है वो हमने कौन सी इनमें चूज़ की है। अच्छा, जो मेडिसिन हमने चॉइस की है ये है ICI कंपनी के वर्सेट। ICI का वैसे भी नाम चेंज हो चुका है, इसको भी लेते हैं LCI वर्सेट है। इसमें एक्सफेंडाजोल और ट्राइक्लाबेंडाजोल मौजूद है। अभी भेड़ों बकरियों में इसकी जो खुराक है वो है 2 ml 2 cc वॉर्सिड जो है वो 15 किलो जिस्मानी वजन के लिहाज से आपने देनी है, यानी कि अगर किसी भेड़ का वजन जो है जिंदा वजन जो है वो अगर 15 किलो है तो आपने 2 cc देनी है, अगर 25 किलो है तो फिर आपने इसको देनी है 3 cc, इसी तरह आपने अगर 30 किलो की भेड़ है तो उसको आपने देनी है 4 cc। तो उसी लिहाज से भी हम इसका वजन भी कैलकुलेट करते जाएंगे और उसको पिलाते भी जाएंगे। जो भेड़ें जिनका हिमानकस कंटाटस के राउंड वर्म जिनका निकला है उनको हम देंगे इंजेक्शन डोरामेक्टिन। डोरामेक्टिन की जो खुराक है वो 1 ml इस्तेमाल होगी 50 किलो जिस्मानी वजन के लिहाज से, और 2 हफ्ते के बाद उसको दोबारा रिपीट करेंगे। अभी पहले दवाई पिला लेते हैं कुछ जानवरों को, तो फिर आपको बताते हैं कि अगला जो ट्रीटमेंट है अगर जानवरों का आपके ऐसे हो जाते हैं तो फिर आपने क्या करना है। इस वीडियो का जो पहला हिस्सा है वो मैं बना चुका हूँ फर्स्ट पार्ट के नाम से, कि आपने इनको चेक कैसे करना है, इनका फीकल सैंपल मेंगनिया का जो सैंपल है वो लेबॉरेटरी में कैसे भेजना है। तो आइए सबसे पहले अभी इनको पिलाना शुरू करते हैं। जो मेडिसिन है वो आप कोशिश करें कि किसी खुले बर्तन में इसको डाल लें ताकि आसानी के साथ सब जानवरों को आप पिला सकें। बेटा ये पकड़ो ज़रा। अभी हमने ये देख लेते हैं ये भेड़, ये तकरीबन इसका जो वज़न हम देख रहे हैं वो 30-35 liter है, kg है सॉरी। तो इसको हम पिलाएंगे अभी 5 ml जो है वो मेडिसिन इसके मुँह में चली जाएगी। जो पिलाने का तरीका है वो ये, आपने यहाँ आपने अंगूठा रखना है, ये आपने सिरिंज भर ली और ये यहाँ से इसके मुँह में आपने यूँ अंडेल दी। इसको पिलाने का जो तरीका है वो यही है। अभी अगली भेड़ है, इसके लिए भी इसको उठाने के लिए वज़न इसका जज करें हम, तकरीबन ये भी 30-35 kg। इसके लिए भी हमने तकरीबन इसका 35 kg वज़न है तो इसको भी हमने 5 ml तकरीबन, अगर 0.25 cc ज़्यादा हो जाए तो बेहतर है। इसको भी हमने मुँह ऐसे मुँह खोला इसका,
और एक साइड से सिरिंज अंदर दी और इसको मेडिसिन पिला दी। जब भी आपने जानवरों को कोई चीज़ पिलानी है, या तो आप ड्रेंचर गन की मदद से पिलाएंगे या आप सिरिंज की मदद से पिलाएंगे, ताकि जानवरों को होता ना लगे, ड्रेंचिंग ना हो जाए उसको। अभी फिर अब ये छोटा बच्चा है, इसका हम वज़न तकरीबन 15 किलो जो है वो रखते हैं जेन में, तो 2 ml इसको हम पिलाएंगे अभी। इसी तरह आपने अपने जानवरों को जो है वो मुकम्मल तौर पे डिवर्मिंग जो करना है, वो आपने ऐसे ही करना कि इनको अद्वियात जो है वज़न के लिहाज से आपने सबको पिलानी है, बाद में हम इनको पिला लेंगे। अच्छा, अब जिन जानवरों में एनीमिया की कमी हो चुकी है, यानी कि खून की कमी हो चुकी है, यहाँ पर स्वेलिंग है, उसके साथ आपने इंजेक्शन मल्टी विटामिन जो है वो 1 से 2 ml इस्तेमाल करना है। साथ एक सीरप आता है आयरोसेल के नाम से, सेलर कंपनी का आयरोसेल, आयरोसेल जो है वो 10 से 20 ml आपने फी जानवर जो है वो रोज़ाना पिलाना है, जिनमें खून की कमी हो चुकी है, ताकि उनका खून भी बन जाए और ये जो स्वेलिंग नीचे इकट्ठी है, जो जो खून बनना शुरू हो जाएगा, ये भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। फिर भी मैं आपको दोबारा फिर से एक छोटा सा इसका व्यू दे दूं कि ये जो जानवर यहाँ पर मौजूद थे, इनके यहाँ निचले जबड़े में पानी इकट्ठा हो चुका था, जिसको हम ओडिमा कहते हैं, इनके बॉटल जॉ भी कहते हैं। कुछ जानवर जो है उनको पेचस थे, जानवरों ने चारा बहुत कम कर दिया था, कुछ जानवर बैठ गए थे, एक आधा जानवर इनका एक्सपायर भी हो चुका था। इसका हमने फीकल सैंपल जो है, जो पिछली वीडियो में आपको मैं बता चुका हूँ, वो हमने लेबॉरेटरी में भेजा। यहाँ पर हमारे पास 2 तरह के जो है वर्म निकले, एक लिवर फ्लूक निकला जिसको फेशियोलिसिस कहते हैं, और दूसरा इसमें हिमानकस कंट्राटस निकला। हिमानकस कंट्राटस जो है ये बहुत ही खतरनाक किस्म का जो है वो इंटरनल वर्म है, जो कि जानवरों के मैदे में होता है, यानी कि एबोमिज्म में होता है, उसकी दीवारों के साथ चिपट के या खून पीता है। और एक जो एडल्ट फीमेल है इस वर्म की, वो 0.05 ml जो ब्लड है वो रोज़ाना का वो सक करती है। जानवरों को बहुत जल्दी वो खून की कमी की तरफ ले आती है, एनीमिया हो जाता है, जानवरों का जिस्म जो है वो टांगे खास तौर पर, और ये जबड़े के नीचे जानवर जो सूज जाता है, आज से चारा खत्म करता है, जानवर बैठ जाता है और जल्दी ही मौत के मुंह में चला जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपने अपने जानवरों को साल में 4 मरतबा डिवर्मिंग जो है वो लाजमी करें, और साल में 2-1 मरतबा जानवरों का फीकल टेस्ट, यानी कि मेंगनों का टेस्ट भी करा लें, ताकि पता चले कि इनमें क्या क्या मसले आ रहे हैं। फिर भी किसी किस्म का आपको कोई सवाल रहता हो इसके बारे में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए, ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।